देखिए दोस्तों, यही चिमनी का अंदर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। इधर इधर आप देख रहे हैं कि अंदर पक्का ईटा निकाला जा रहा है, और इधर देखिए, इधर लाइन बाय लाइन से कच्चा ईटा इधर रखा जा रहा है, उसके बाद जब सर ईटा। तो साथियों, आप देख सकते हैं एक मजदूर साथी हैं भाई साहब, ईट बना रहे हैं। देखिए कितना मेहनत लगता है ईट को बनाने में, कितना तब जाकर आप लोग जो घर पे ईट आता है, ईट बनता है, उसके बाद पकता है, उसके बाद उसको बाहर निकाला जाता है, टाली पर लादा जाता है। कि सुबह से लोग आए हैं, जिस समय हम लोग सोते हैं उस समय लोग जग कर अपना 3 बजे रात को ही लोग आ जाते हैं काम पर। देखिए कितना चारों तरफ मजदूर लगे हैं, अपना धूल, आप लोग धूल में जाने से डालते हैं, लेकिन इन लोगों का शरीर देखिए पूरा धूल से ही लथपथ हो गया है। देखिए दोस्तों, हम देखिए अंदर का आपको दिखा रहे हैं, कोयला इसमें डाला गया है और पूरी तरीके से देखिए लाल हो गया पूरा अंदर। अब इसी में ईटा पकेगा, कितने दिन में पक जाएगा ईटा? 2 दिन में पक जाता है। उसके बाद ईटा कौन दिन में निकाला जाएगा? 14 दिन, यानी 14 दिन के बाद, पकने के बाद 14 दिन के बाद निकल जाता है ठंडा होने के बाद। देखिए दोस्तों कितना धूल उड़ रहा है, चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रहा है, और इसी में लोग मजदूर काम कर रहे हैं। देखिए कितना मेहनत लोग करते हैं, इतनी गर्मी इतनी तापमान में लोग मजदूर काम करते हैं। जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग एक चिमनी के भट्टे पर, यानी ईट का जहाँ निर्माण होता है, ईट बनाया जाता है, पकाया जाता है, कैसे वहीं भट्टे पर आए हैं, और तमाम हमारे साथ मजदूर साथी देखिए ईट का निर्माण कर रहे हैं। तो इनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे आप लोग काम करते हैं, कितना मजदूरी मिलता है, कितना मेहनत लगता है, तब जाकर दोस्तों कहीं ना कहीं जो हमारे घरों में ईट बनता है, ईट के सहारे घर बनता है, उसका निर्माण होता है। देखिए किस तरह से भाई साहब ईट बना रहे हैं, इनसे हम कुछ सवाल भी करेंगे और आपको दिखाएंगे पूरा प्रोसेस कि एक मिट्टी से ईट का निर्माण कैसे होता है और उस ईट से घर कैसे बनता है पूरा प्रोसेस। देखिए इधर भी तमाम लोग हैं और अस्थायी रूप से अपना घर बनाए हैं, और दोस्तों इधर बल्ब लगाया गया है, इसी बल्ब के सहारे रात को 2 बजे से ईट का निर्माण किया जाता है, आप देख सकते हैं। तो बहुत मेहनत करते हैं लोग जो भी यहाँ के साथी लोग होते हैं, और इधर भी आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए देखिए इधर एक भाई साहब हैं, बहुत मेहनत, देखिए कुछ इनका ईट लगभग सब बन गया है, थोड़ा सा बाकी है, और बड़ी मेहनत कर रहे हैं सुबह से ही। तो पूरा प्रोसेस देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। चलो बात, तो साथियों देख सकते हैं मतलब ईटा भी सूख गया है, तो इसको लाइन बाई लाइन से रखा गया है, और यहाँ के बहुत सारे लोग हमारे महाराजगंज जिले में छत्तीसगढ़ से लोग आते हैं ईटा पाथने, मतलब ईटा का निर्माण करने, तमाम महिलाएं हैं, तमाम बच्चे हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार से तमाम लोग हमारे इसे यूपी में ईट मतलब भट्टा जो होता है, देखिए बगल में भट्टा है, और यहाँ पर तमाम परिवार के लोग यहाँ पर रह, देखिए अस्थायी रूप से बनाया गया कटरेन वाला घर, और यहाँ पर बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। हम तो आप लोग कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ मतलब उधर से ज़्यादा लोग इधर आते हैं का ईटा बनाने? बहुत लोग आते हैं। हाँ, कब से आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, कितना दिन से? कब से? 5-6 महीना हो गए। 5-6 महीना, और तो आपके परिवार के लोग भी हैं, बच्चे हैं? बच्चे हैं। देखिए दोस्तों पूरा परिवार है जो भी, तो कब जाना है घर? देखो अभी जब तक मौसम साफ है तब तक काम चलता रहे फिलहाल। तो ये बताइए आप लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, और यूपी में आप लोग को कैसा लगता है? यहाँ सही है, मौसम भी, यहाँ का आदत बिहार भी सही है, आने जाने में कोई परेशानी, लोग परेशान तो नहीं करते आप लोग को? जैसे हरियाणा और क्या बोलते हैं पंजाब, हरामी, हरियाणा पंजाब में आप लोग परेशान करते हैं लोग? हाँ, वहाँ के लोग हरामी भी हैं। वहाँ सामान लेने देने में भी मतलब 5 किलो का पैसा लेते हैं, और सामान लेने देने में 4.5 किलो रहता है। और हमारे यूपी वाले ऐसा करते नहीं है, यहाँ नहीं है, ईमानदारी है, यहाँ यहाँ सही है, यहाँ के लोग सही है, यहाँ के लोग भी सही है, मायावती भी सही है, वही सरकार था पहले। अभी तो योगी आदित्यनाथ है सरकार, वो भी सही, बीजेपी का, हाँ बीजेपी को भी सही काम, हाँ ऐसा कुछ। वहाँ तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल है वहाँ के मुख्यमंत्री, सबसे गरीब सरकार तो जो मतलब छत्तीसगढ़ का है, वही लोग मिलता है। तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ से आए हैं और बता रहे हैं कि हमारे यूपी के लोग अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इनको काम धरने में कोई परेशान नहीं करता, और अच्छा वेतन मिलता है। कितना पैसा कमा लेते हैं एक दिन में? ये ठीका का काम होता है। कितना? 1000 में 600 मिल जाता है। 1000 ईटा पाथेंगे तो 600 मिल जाएगा, मिल जाता है, कोई इसमें परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिहाड़ी बन जाता है आराम से, मतलब कभी 1200 भी काम को हो जाता है, कभी 800-400 जैसे अपना काम को है। ठीक ठीक, जैसा काम वैसा पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये हैं छत्तीसगढ़ के लोग, और इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और भी चल कर आपको दिखाते हैं जहाँ पर ईट पर बन रहा है, तमाम लोग अभी ईट बना रहे हैं, तो वो भी सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट में। साथियों अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ईट के भट्टों पर मजदूर कितना मेहनत करते हैं। देखिए सुबह से लोग आए हैं, जिस समय हम लोग सोते हैं उस समय लोग जग कर अपना 3 बजे रात को ही लोग आ जाते हैं काम पर। देखिए कितना चारों तरफ मजदूर लगे हैं, अपना धूल, आप लोग धूल में जाने से डालते हैं, लेकिन इन लोगों का शरीर देखिए पूरा धूल से ही लथपथ हो गया है। देखिए उधर से कच्चा ईटा आ रहा है और इधर पक्का ईटा निकल रहा है, तो कई तरह के
देखिए इधर 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 हमारे एक चाचा जी हैं बहुत बढ़िया एकदम मस्ती में। देखिए इधर इधर कच्चा ईटा जा रहा है अंदर और अंदर से पका ईटा इधर इधर निकल रहा है। देखिए दोस्तों यही चिमनी का अंदर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। इधर इधर आप देख रहे हैं कि अंदर पका ईटा निकाला जा रहा है और इधर देखिए इधर लाइन बाई लाइन से कच्चा ईटा इधर रखा जा रहा है। उसके बाद जब सर ईटा को रख दिया जाएगा उसके बाद तब इसमें आग लगाया जाएगा, मतलब ईंधन रखा जाएगा, उसके बाद ईटा पक कर बाहर आएगा। अब देखिए किस तरह से इसमें हवेलीदार बनाया गया है जगह जगह, बहुत है, इसका सिस्टम अलग है। तो हाँ तमाम लोग नहीं जानते होंगे कि कैसे कैसे का होता है, सब लोग ईटा देखते हैं। हाँ लेकिन लेकिन अजब देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों हम देखिए अंदर का आपको दिखा रहे हैं, कोयला इसमें डाला गया है और पूरी तरीके से देखिए लाल हो गया पूरा अंदर। अब इसी में ईटा पकेगा, कितने दिन में पक जाएगा ईटा? दो दिन में पक जाता है। उसके बाद ईटा कौन दिन में निकाला जाएगा? यानी 14 दिन के बाद, पकने के बाद 14 दिन के बाद निकल जाता है ठंडा होने के बाद। देखिए दोस्तों कितना धूल बड़ उड़ रहा है, चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रहा है और इसी में लोग मजदूर काम कर रहे हैं। देखिए कितना मेहनत लोग करते हैं, इतनी गर्मी इतनी तापमान में लोग मजदूर काम करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। देखिए इधर भी कुछ मजदूर साथी लोग लगे हुए हैं, चारों तरफ देखिए कितना बहुत बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत से लोग काम कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो पूरा प्रोसेस हम दिखाएंगे आपको, वीडियो में बने रहिएगा कि कैसे एक मिट्टी से ईंट का निर्माण होता है और उस मिट्टी से कैसे घर बनाया जाता है, कितना संघर्ष लगता है इसको बनाने में, पूरी प्रक्रिया हम आपको दिखाएंगे। और यही हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और एक हम चिमनी के भट्ठे पर आए हैं और एक भाई साहब हैं, काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो भैया कब से आप आए हैं, कितना कब से काम कर रहे हैं आप आकर यहाँ? अरे हमें तो सुबह पर 5 बजे निकलते हैं। इसका मतलब आप लोग रात में ही काम चालू कर देते हैं लाइट जला कर? हाँ लोग इधर ही रहते हैं, जिससे हम घर से आ जाके काम। हाँ और लोग यहीं पर रहते हैं लोग? हाँ। तो कितना कमा लेते हैं एक दिन में? अलग अलग है, कम है भट्टा। आप चाहते हैं मतलब रेट कुछ बढ़ाया जाए ताकि मजदूरों को? भट्टा का रेट ज्यादा रहता है इस समय तो, सब जगह 700-800 प्ले चल रहा है, लेकिन सिर्फ खाली इधर ही 500 का रेट चल रहा है। 500 अब कहाँ से, अब इतना लोग में कहाँ से पड़ता है। तो देखिए दोस्तों कैसे ईट बना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन बड़ी मेहनत है ईट को बनाने में। हाँ उस पर मिट्टी बनाया जाता है, उसके बाद इसको साना जाता है, मिट्टी को बनाया जाता है, तब जाकर कहीं कहीं ईट का निर्माण होता है, बहुत मेहनत है। तो दोस्तों आज हमारे साथ एक चाचा जी, इनसे भी बातचीत करेंगे। ये बताइए इसी मिट्टी से ईंट बनता है ना? हाँ हाँ बाबू, पहले इसको साना जाता है पूरा तरीके से? हाँ, पहले साना जाता है। हाँ। उसके बाद उसको गांजा जाता है। हाँ। तब सुबह में निकाल करके बनाया जाता है ईंट। अब पता पूछे तो लोग बता रहे हैं कि हम लोग 2 बजे रात को ही आ जाते हैं ईंट को। हाँ, हाँ? जिस समय लोग सब सोए रहते हैं उस समय आप लोग काम पे भिड़ जाते हैं? 1 बजे से काम शुरू हो जाता है, तब जाके 250 रुपया बन पाता है। मेहनत दोस्तों देखिए कितना मेहनत के बाद कहीं ईंट बनता है। हाँ बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत बहुत। अब बच्चे नहीं समझते होंगे आपके संघर्ष को। बच्चे क्या समझेंगे? हाँ? नहीं समझेंगे। अब इसी के चक्कर में बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो दोस्तों जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके माता पिता बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप लोग मन से पढ़िए, नहीं तो आप नहीं मन से पढ़ेंगे तो आपको भी यही करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ध्यान से, उनके लिए क्या कहेंगे? और उसके लिए क्या कहेंगे, वो भी बेरोजगार घूमेंगे घूमेंगे, आप एक तरह परेशान रहेंगे, पढ़ लिख लेंगे तो रोजगार पा जाएंगे, रोजगार पा जाएंगे, जीवन खुशहाल हो जाएगा। उतना पैसा भी तो नहीं हो पा रहा है, कमा पा रहे हैं जी। हाँ। बच्चों को पढ़ाते हैं 200-250 रुपया में, खर्चा ही भी नहीं हो पा रहा है, बच्चों कहाँ से पढ़ाएंगे? ये भी दिक्कत।